पूजा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गाउन की कटिंग बताने जा रहा हूँ, जो कि लेंथ है इसकी 48, चेस्ट 32, कमर 26, 26, हिप है 32। गाउन में हिप का कोई वो नहीं होता है ज़्यादा नाप का, फिर भी हमने ले लिया ताकि फिटिंग में थोड़ी सी आसानी रहती है। बाजू है हमारी 17 इंच 9 इंच मोरी, फ्रंट का गला 6, बैक का 6, क्योंकि ब्रॉड गला है तो इसलिए ज़्यादा डीप गला नहीं रहता। और इसकी हमें चोली 14.5 इंच रखनी है तैयार, तो हम ये कट इन करके आपको बता रहे हैं। दोस्तों ये हमने इतना निशान लगा लिया, ये कट के निकालना है, हमें एक पैर का दबाव इसमें रखना है। और ये हमारी 14.5 इंच है तो हम क्या करेंगे, 15 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 15 इंच पे निशान लगा दिया। अभी हमारा बोर्ड नेक गला है तो तीरा है इसका 14 इंच, तो हम 14 इंच के हिसाब से हम 7 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा गला डीप नहीं है। डीप होता तो हम इसे 6 या 6.25 इंच पे निशान लगाते हैं। तो बोर्ड नेक गले का ध्यान रखना होता है कि जितना तीरा होता है उतना ही ये रखना होता है। तो इससे क्या है कि ये जो गला फैलता है तो फैलेगा नहीं, इसमें इस वजह से हम इतना तीरा रखेंगे। ये हमने सीधा निशान लगा लिया। अब इसे हमें तीरा भी 7 इंच मतलब 14 इंच, 7 का आधा 14 होता है, 14 का आधा 7, तो ये हमें 7 पे ही रखना है। बोर्ड नेक हमारा गला है तो हम इसे 10 इंच ही ब्रॉड कर देंगे, 10 कर लो। अभी हमारी चेस्ट 32 है तो इसमें हम 8 × 32 चौथाई हिस्सा रखेंगे, उसके बाद में हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारा 32, ये हमने 1 प्लस किया तो ये हमारा चौथाई हिस्सा हो गया 1 इंच, तो ये हमारा 4 प्लस हो गया इसमें, तो ये अब आएगा 36 इंच। इसमें हम 32 में 4 प्लस करते हैं। अब इसको हम ऐसे नापेंगे तो हमने पहले 8 पे निशान लगाया जो हमारा बॉडी नाप है 32 है, तो 32 आ गया। अब उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 1 इंच का मतलब है कि ये 4 तय में कटता है, तो इसका 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 32 की जगह 36 होगा 4 प्लस करने के बाद। और कमर है हमारी 26, तो कमर में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 26 का हमारा ये 6.5 आएगा। हमने 6.5 पे निशान लगाया। अभी हमें क्या करना है, 1 इंच से 1.5 सूत या 2 सूत कम करेंगे तो ये हमारा 3 इंच लूजिंग इसमें भी कमर में आ जाएगी, हमें कमर पे 3 इंच लूजिंग देनी होती है। तो ये हमने 0.25 इंच निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, शेप पट्टी से हम ये राउंड शेप ये लगा देंगे और ये हमारा, ये हमें यहाँ तीरा जो निशान लगाया 7 इंच पे, तो ये हम 7 इंच पे भी निशान लगा के ये हमारा 7 इंच का निशान हो गया। और फ्रंट का 1 इंच अंदर ले लेंगे ये राउंड शेप देने के लिए। ये हमें अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये अंदर की तरफ शेप देनी है और ये हमारा मुड्ढे को डाउन कर दे। दोस्तों ये हमें अब यहाँ पे अंदर की साइड से ऐसे राउंड शेप निशान लगाना है, गोल शेप एकदम देनी होती है ऐसे। ये हमारा हो गया बाहर का निशान जो बैक पल्ले का होता है। अब इसे हम काट देंगे। ये भी हमें काटना है बाहर वाले निशान पे, क्योंकि बैक का पल्ला एक्स्ट्रा कटता है आर्म होल का। ये हमने 1.5 से 1.75 इंच तक दबाव रख लिया एक्स्ट्रा में। ये यहाँ पे कुटका लगा देंगे सिलाई का, ये गले का कुटका हो गया। और ये जो फालतू दबाव है इसे हम काट के निकाल देंगे। अब ये हमें क्या करना है, ये हमें बैक का पल्ला, ये हमारा फ्रंट का है, अब इसे हम
इसी के ऊपर रख के बैक का पल्ला काट लेंगे। अभी हमें बैक का पल्ला बिल्कुल इसी पल्ले के बराबर काटना है, सेम बिल्कुल। लंबाई भी सेम। दोस्तों ये हमारी चोली कट चुकी है। अभी हमें क्या करना है, बैक का पल्ला हटा दिया, ये हमें अंदर के साइड का छांटना है आर्म होल। अब जैसे हमारा निशान अगर सही नहीं लगा होता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो हमें क्या करना है, कटिंग जब करते हैं तो उसको एकदम राउंड शेप देना है। ये हमारा चोली कट चुकी है। अब हम काटेंगे दोस्तों, ये हमारा ब्रोकेट का कपड़ा है, तो हमें क्या करना है, अब इसमें हमें चोली निकालनी है। वो जो कटिंग किया था वो हमने अस्तर किया था, अब इसमें हम चोली कटिंग करेंगे उसी अस्तर के हिसाब से। तो हमें देखना है कि ये लंबाई हमारी किस हिसाब से निकलेगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, तो हमें चोली निकालनी है इसमें। तो ये हमने चार तय कर लिए, एक तय ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चार तय हो गए हमारे। तब हमें ये रख के अस्तर जो काटा था, ये हमें रख के कटिंग करनी है सेम। अब हम चोली को काट देंगे। ये दोस्तों हमारी चोली कट गई। अब दोस्तों अभी हम बाजू काटेंगे। पहले ये हमने चार तय लगा ली इसकी बाजू की भी, एक ये, दूसरा ये, और डबल फोल्ड ये नीचे का है। तो ये हमारी चार तय हो गई बाजू की, और बाजू हमें काटनी है। हमारे बाजू की लंबाई 17 इंच है। तो ये हमने निशान लगा दिया ऊपर, ये आर्म होल का निशान लगाया, और ये 17.5 पे निशान नीचे लगा दिया। दोस्तों ये मैं इसका मुड्ढा 7 से थोड़ा सा कम लेना है, 1/8 सूत नहीं, 7 भी चलेगा, पर 7 से 7.5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और बाजू की मोरी हमारी 9 इंच, तो ये हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, 4.5 पे, तो 9 हो जाएगा हमारा। अभी से हम ये निशान लगा देंगे। अब हमें आर्म होल ऐसे निशान लगा लेना है राउंड। और जो अंदर के साइड का काटेंगे तो वो हम ऐसे निशान इसको भी अंदर के साइड का लगा लेंगे। और ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा दबाव लेके हम इसको कटिंग कर देंगे। और इसमें 2 सूत का दबाव लेके, क्योंकि इसमें हमें लेस लगानी है, तो हम इससे ज़्यादा दबाव नहीं रखेंगे।
ये हम जहाँ से सिलाई लगाते हैं वो कुट का निशान लगा देंगे। ये 20 सेंटर का कुटके का निशान हो गया। और हमें ये देखना है, आप ये अलग करके भी काट सकते हो। ये हमें, अगर हम ऐसे डबल में काटते हैं तो ये हमारे दो पल्ले नीचे के नहीं कटने चाहिए, दो पल्ले काटेंगे सिर्फ। तो ये आप अलग करके भी कटिंग कर सकते हो। ये हमने काट दिया। दोस्तों ये हमारी बाजू कट गई। दोस्तों ये हमें अब नीचे का घेरा काटना है, तो हम क्या करेंगे, ये डबल फोल्ड करेंगे कन्नी की तरफ से। अब इसे हमें क्या करना है, डबल हमने कर लिया। डबल करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ये हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। अभी हमें ये देखना है कि ये हमारा कपड़ा खिंचता है, तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इसे हम ये चारों पल्लों को इधर से मिलाएंगे बराबर, ये हमें देखना है कि यहाँ पे झोल ना पड़े। दोस्तों ये अब हमें नीचे का घेरा काटना है, तो हमें देखना है कि हमारी कमर 26 में 3 प्लस किया था तो हमारी 29 इंच कमर हो गई। तो ये हमें देखना है, इसमें दबाव लेके हमारी 29, तो ये ऐसी कमर आ गई। तो हमें इसमें दो इंच एक्स्ट्रा लेना है, डेढ़, दो ले लो, पौने दो ले लो, डेढ़ भी ले सकते हो। तो हम इसमें उसमें चोली में डेढ़ इंच कर लिया है मार्जिन, तो हम डेढ़ इंच इसका भी लेंगे। तो ये हमारा, क्योंकि ये ओरेप कटता है तो ये थोड़ा सा खींच के ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हमें डेढ़ इंच से थोड़ा सा कम लेना है। ये हमारा ये आ रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गोल शेप देंगे। ये हम 11.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और ये ऐसे ही गोल शेप देना है, 11, 11.5 पे निशान लगा के। अब इसे हम काट देंगे। ये दोस्तों हमारा ऊपर कमर का कट गया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो चोली काटी थी 14.5 इंच काटी थी, तो हमें 0.5 इंच का दबाव उसमें दिया हुआ है। तो ये हमने 14 इंच इसको ऊपर निकाल देना है। अभी हमारी लंबाई है, ये हमें लंबाई इसकी 48 रखनी है लंबाई। तो ये हम 0.25 इंच का दबाव एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा खिंचता भी है कपड़ा और रेब में है, तो इसे हमें 40.5 लिया है, 0.5 इंच खींच के वो 1 इंच हो जाएगा। हमने पहले इसको थोड़ा सा वो कर दिया खींच के कि ये ज़्यादा ना खींच पाए, क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे नहीं, वैसे ही नॉर्मल कटिंग कर देंगे तो ये खींच के लंबा हो जाता है। तो इसे हमें थोड़ा हल्का यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच देंगे, तो अपने आप जो कपड़ा खींचना होता है तो वो खींच जाएगा। आपको ज़बरदस्ती इसको कपड़े को नहीं खींचना है, यहाँ से ऊपर से पकड़ के ऐसे कपड़ा हल्का सा खींच दोगे ऐसे, तो सारा जो खींचना है कपड़ा खींच जाएगा। तो अब ये हमें क्या करना है, हम यहाँ से नापेंगे कितना है, ये हमारा ये आ रहा है 35। अब 35 में हमें 14 इंची प्लस किया है जो चोली का, तो वो इसलिए 48 आ रहा है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ से हम ऐसे गोल शेप इसको देते जाएंगे 45 पे। तो इससे क्या है, हमारा गोल घेरा बिल्कुल कटेगा। ये हमने 45 पे निशान लगा दिया, ये भी 45 पे निशान लगा दिया। और ये भी 45 पे, ये भी 45 पे। दोस्तों जो हमारी शेप फट्टी होती है, हम उसके द्वारा जो ये राउंड शेप दे रखा है स्केल का, तो उसी के थ्रू निशान लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें भी गोल शेप आ रही है,
तो इससे क्या है, सेफ गोल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब दोस्तों अब इसे हम निशान से ही काट देंगे, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा दबाव रख लिया नीचे का फोल्ड करने का। ये हमारा ज़्यादा चौड़ा नहीं मुड़ेगा, एकदम बारीक मुड़ेगा। ये हमारा नीचे का घेरा कट चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे जोड़ बच रहा है तो इसमें जोड़ थोड़ा सा कट इन करना है, क्योंकि इसमें और एक घेरे में जोड़ थोड़ा सा आ ही जाता है। ये हमें जोड़ क्या करना है, हमें जोड़ अब काट लेना है। तो ये हमें नीचे कपड़ा रखना है वो वाला, और ये देखना है कि जोड़ एक बराबर है। ये हमारा अब जोड़ एक बराबर आ रहा है। अब इसे हमें गोल शेप से जैसे कटा हुआ है इसी के हिसाब से काट देना है इसे। दोस्तों ये हमारा घेरा कट चुका है। अब हमें दोस्तों ये हमारी गाउन कट चुकी है, ये हमारी चोली हो गई, ये बाजू हो गई, और ये हमारा नीचे का घेरा हो गया। ये हमारा कट चुका है। अब इसे हम अगले वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जो वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।